नमः शमय साराय सानुभूत्या चकास्ते चेसो वावाय वावाय सर्वभावांतरचे। पंद्रह नंबर का छंद है, पेज नंबर 40। बहुत सुंदर छंद है वेद विज्ञान का। सुबह अपने वेद विज्ञान का प्रकरण है। वेद विज्ञान का फल स्वानुभव है और स्वानुभव का फल सहज वेद विज्ञान है। एक सिक्के के दो पहलू हैं। वेद विज्ञान का फल स्वानुभव और स्वानुभव का फल सहज वेद विज्ञान। सहज वेद विज्ञान, सहज वेद विज्ञान माने करना नहीं पड़ता है और हुए बिना रहता नहीं है। छोटे से बच्चे को सोचना नहीं पड़ता ये मेरा घर है। जैन जैन मंदिर से सीधे जाओ, फिर दाएं मोड़ो, फिर बाएं मोड़ो, फिर बीच, ऐसे करना नहीं पड़ता। बच्चा कहीं से भी खेलता हुआ आए, कहीं से भी, सीधे घर में प्रवेश करता है। वेद विज्ञान के बिना नहीं कर सकता। उपाधि को ग्रहण करता जाता है, ये को छोड़ता जाता है। कहीं से दुखी होके लौटे, लड़ाई झगड़ा होके लौटे, भूखा लौटे, स्कूल से लौटे, वेद विज्ञान के बिना नहीं लौटता, लेकिन सोचना नहीं पड़ता। तो दो प्रकार के वेद विज्ञान हो गई। एक तो हम यहाँ करा ही रहे बुद्धिपूर्वक वेद विज्ञान करके स्वानुभव करो, और स्वानुभव के बाद कुछ मत करो, वेद विज्ञान आपको आप होगा। आइए अपन समझते हैं। पंद्रह नंबर का छंद है, बड़ा सुंदर है। अपने अपने ही गुण पर जाए सो प्रवाह रूप, पर नयोति हूँ काल अपने आधार सो, अंतर बाहर प्रकाशवान एक रस। एक रस पे वजन देना, एक रस, एक रस। खिन्नता न गहे भिन्न रहे, भिन्न रहे भाव विकार सो। क्या साफ साफ घोषणा है, देखो साफ साफ घोषणा है। खिन्नता न गहे, खिन्नता न गहे। प्रभु तू कितना सुंदर परमात्मा है, तू कितना बढ़िया भगवान है। ध्यान रखना, यहाँ पर्याय को भगवान नहीं कह रहे हैं, यहाँ ध्रुव को भगवान कह रहे हैं, यहाँ परमात्मा कह रहे हैं, तेरी महिमा कर रहे हैं। जितने प्रवचन हो रहे हैं ना, वो कई बार नहीं समझ में आते। क्यों नहीं समझ में आते? कि पर्याय की तरफ से देखते हैं। हम तो आदमी हैं, सन अंदर एक छिपा हुआ गुप्त, कल एक शब्द आया था गुप्त, ए जड़ प्रगट गुप्त तुम चेतन। और दिक्कत वही हो, गुप्त है ना, सब मालूम ही नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? प्रगट ये जड़ प्रगट हैं और तुम चेतन गुप्त 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 गुप्त। अब क्यों अकल कहाँ लगानी चाहिए? दृष्टांति दे रहे समझाने के लिए। एक आदमी ने कहा मैं 100 ग्राम घी चाहिए, तो उसने 1 लीटर दूध दे दिया। मांगा क्या था? क्या मांगा था? 8 पहरा 100 ग्राम घी मांगा क्या था? 8 पहरा 100 ग्राम घी। और दिया क्या उसने? 1 लीटर दूध। बताओ उसने 100 ग्राम 8 पहरा घी दिया के नहीं? और गारंटेड, इसमें तो गारंटी है, 1 लीटर दूध में से 100 ग्राम 8 पहरा घी निकलेगा, पक्की बात है, निकालोगे तुम। लेकिन जगत का घी की हम क्या गारंटी दें? अब अभी समझ में नहीं आती है भाई, ये समझना थोड़ा सा मेहनत का काम है कि दूध में घी देख ले, स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण देख ले। और इसीलिए दौलत राम जी ने बड़ी प्यारी भाषा लिखी है, सम्यक ज्ञान कला 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 है, आप रूप को जान पनो सो। सम्यक ज्ञान कला कला। अब मैं भजन गाय भी दे रहा हूँ, सम्यक दर्शन आर्टिस्ट का काम है। कला किसे कहते हैं? जो गुप्त को पकड़ जाए।
गुप्त को पकड़ जाए, तुम 2.5 मीटर कपड़ा लेके गए, 2 मीटर कपड़ा लेके गई, भैया इसका कुर्ता बनना है, उसने कपड़ा देगा? आपने देखा कभी? नाप तो बाद में लेता है वो, नाप तो बाद में लेता, पहले तुम्हारा कपड़ा बताओ कपड़ा कहाँ है। नहीं बनेगा, अरे बना दो, तुम्हें ही तो बनाना है, तुम्हें ही काटना है, तुम्हें ही सिलना है, सिल दो। कि भैया काटना मुझे नहीं है, सिलना मुझे नहीं है, पहले कपड़ा तो दिखे। मैं कई बार तर्क करता था, बना दो, देखो इतनी लंबाई तो है भाई, तुमने तो कह दिया लंबाई है, जेब कहाँ से निकालूंगा, और जी कॉलर कहाँ से निकालूंगा, और जी कफ कहाँ से निकालूंगा, और फला वो कह रहे हैं, उसे दिख रहा है, उसे कपड़े में कुर्ता दिख रहा है। ऐसे ही जिसको इस देह देवल में, देह मंदिर में भगवान दिखता है, वो कला है, ये जड़ दिखाई दे रहा है, सप्त क्या क्या वो नव द्वार कार्य दिख रहा है, सारे दुनिया में इसकी निंदा भी की गई और प्रशंसा भी की गई है, लेकिन एक चीज गुप्त ऐसी है जिसकी निंदा प्रशंसा नहीं की गई, और वो गुप्त है, इसे उस गुप्त को देखा। आ जाओ, आ गए कुछ हम, आगे नहीं आया, बहुत बढ़िया, 40 नंबर का पेज है, 15 नंबर का छंद, बहुत बहुत बढ़िया छंद। अपने ही गुण, अपने ही गुण मिला, कोई बात, 40 नंबर का पेज है ना। अपने ही गुण पर जाए सो प्रवाह रूप, पर नयो तिहूं काल अपने आधार सो। अरे कोई बात, तब तक हमें सुन लो तुम तो। अपने ही गुण पर जाए, अपने ही, ध्यान से सुनना भी, बहुत बहुत माल है इसका, तो जितने दिन प्रवचन करो तक हमें जितने दिन, क्योंकि सारा खजाना भर दिया इसमें। अपने ही गुण पर जाए सो पर नयो मने परिणमित हुआ, कौन के भजन गाय पे दिया है, अपने ही। चलिए थोड़ी देर के लिए बात करते हैं, क्या बताएं पंडित जी, इनकी वजह से गुस्सा आ जाती है, बाकी मैं गुस्सा नहीं करता, क्यों, ये बच्चों की शकल देखते सी चांद डाली छूटती है, पत्नी की शकल तो बिल्कुल आग लगा देती है, क्यों आग लगाने की पर्याय पत्नी करती है कि बच्चे, बोलो पंडित जी क्या बताऊं, मैं तो इतना सीधा सच्चा था जब गांव से शहर में आया, अब क्या करूं पंडित जी, वो चाट पकौड़ी मुझे राग पैदा करा देती है, और थिएटर टॉकीज, क्या बताएं पंडित जी, मैं तो इतना बढ़िया था, अब तो समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या बताएं जी, मोबाइल ने सत्यानाश मार दिया, कौन ने, नंबर 1 का मिथ्या दृष्टि है, अपने ही गुण पर जाए सो, अपने ही गुण पर जाए सो, पर नयो, साफ साफ तो लिख रहे हैं साहब, हमने तो दुनिया में यही सुना है, आजकल के मोबाइल बिगाड़ रहे हैं, यदि मोबाइल बिगाड़ रहे तो मुझे क्यों नहीं बिगाड़ा, ये आप चलाते नहीं है तो तुम काहू चलाते, जैसा हमें काम व्यापार धंधा है तो ठीक है, प्रतिज्ञा करो प्रयोजन भूत चलाओगे, अनर्थ दंड नहीं करोगे, जिन वाणी बहुत कमाल की है, वह ये नहीं कहती कि तुम फोन मत चलाओ, विवाह मत करो, लेकिन अनर्थ दंड मत करो, अनर्थ दंड नहीं करना, बहुत बड़ी तपस्या है, क्या बताएं, जरा फालतू हुए रेलगाड़ी में देखता हूँ बेचारे 12 घंटा 15 घंटा 10 20 घंटा 24 घंटा, अब वो टाइम नहीं कटता तो जबरा नहीं आगे फोड़ रहे, 93 प्रकृतियाँ होती है, प्रकृतियाँ उनमें एक अपघाती प्रकृति होती है, अपघात होता है जैसे एक प्रकृति होती है, उससे अपने दांतों से अपने ही गाल कट जाता है, हैं, उपघात, अपघात गलत बोल रहा हूँ, उपघात, अपने दांतों से अपने ही गाल कट जाता है, अपनी जीभ कट जाती है, ऐसी मैं वो सोच रहा था कि यदि मैं नई टीका लिखूंगा ना तो इसमें ये शब्द जोड़ूंगा कि जब ये बहुत मस्त होता है तो अपना ज्ञान उपयोग मोबाइल में ले जा करके अपना ही वीर का घात करता है, अपने ही शरीर का घात करता है, अपने ही परिणामों का घात करता है, ये भी उपघात है, ये भी उपघात है, जबरन, जब आदमी आनंद में होता है ना तब 2 जने मिल जाते हैं और फिर बुराइयां करने लगते हैं, ये क्या चक्कर, ये उपघात,
जब ना अच्छे खासे बैठे थे, दो जने मिले, कहो भैया जय जी ने, और भैया क्या हाल चाल है, और फिर बुराई शुरू। जो भी लौकिक व्यवहार बिकत है शुरू, बिकत है नहीं प्रभु, ये उपघात है, क्यों अपना समय खराब कर दे। तो ध्यान रखना, जो पर को दोष देता है वो मिथ्या दृष्टि है, नंबर एक। फिर से बोल रहा हूँ, जो पर को दोष देता है वो स्वानुभव करने में असमर्थ है। जैन शासन पोपाबाई नो राज न थे, क्या बोल रहे हैं, जैन शासन पोपाबाई नो राज न थे। आप तो महंत रहना चाहे और दोष निमित्ताधिक को दे, जिना क्या माने तो ऐसी अनिति संभव नाही। ए मैंने क्या बोला है, वेद विज्ञान की बात चल रही है, हाँ यहीं से वेद विज्ञान करा रहेगी। तेरे द्रव गुण पर्याय तेरे हैं, जय वेद विज्ञान। ध्यान रखना, वेद विज्ञान ये नहीं है कि तेरे द्रव गुण पर्याय की जिम्मेदारी किसी और के सिर पर डाल दे। ध्यान रखना, जो विकार रूप परिणमित कराने में पर का दोष मानता है तो फिर शुद्ध पर्याय करने के नाम पर भी पर की ओर ही देखेगा, सम्यक दर्शन के लिए भी पर की ओर देखेगा। क्यों, विकारी पर्याय इन्हें कराई तो फिर कोई आके मुझे विकार से बचाएगा, तो कोई मुझे सम्यक दर्शन कराएगा, और इसीलिए अन्यथा नहीं लेना। कोई जो चर्चा चल रही उसे ध्यान से सुनना। चरणानुयोग में, प्रथमानुयोग में आरोपित कथनों की भरमार है। कौन सा शब्द पे रुका हूं मैं, भजन देखे, आरोपित कथनों की, बिल्कुल दिमाग में ऐसा खचित है लोगों को कि देवगति में जाएंगे और आठवें दीप नंदीश्वर में जाएंगे और सम्यक दर्शन ले आएंगे, जैसे वहां ढेर की तरह रखा होगा। ये इतनी बड़ी भ्रांति है, और आरोपित कथन है, उपचरित कथन है, उपचरित है। विश्व के किसी भी जगह पर ऐसी कोई अकृत्रिम जिनमें नहीं है, और साक्षात भगवान समोसरण में वेद तक ए जब साक्षात अरंत भगवान की प्रतिमा सम्यक दर्शन नहीं दे सकती, प्रतिमा नहीं, साक्षात अरंत, तो उनकी प्रतिमा कैसे दे देगी। नहीं ऐसा कहते से ही लोगों को लगता है तुम आगम मानते ही नहीं हो, आगम में तो लिखी है। अरे लिखी तो है भले आदमी, उपचरित कथन, उपचरित कथन। एक उपचरित का दृष्टांत दे दूं बच्चों के लिए, सुन रहे हो बच्चे लोग, ध्यान से सुनना, तुम्हारे लिए दृष्टांत दे रहे हैं। शादी होती है घर में और बाजे बजते हैं तो बच्चों को बड़ा मजा आता है, सही है कि नहीं है, बोलो। बाजे बजते तो बच्चे नाचते कि नहीं नाचते, नाचते हैं, बच्चों को मजा आता है कि नहीं आता जब शादी होती है तो। अब मेरा प्रश्न है, बाजे बजने से आनंद होता है या शादी होने से आनंद होता है। अब कहने में तो यही आता है, अरे भैया आज इनके आनंद है, बाजे बज रहे हैं, इनके यहाँ बाजे बज रहे हैं तो आनंद हो रहा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन जरा सोचो, लड़की के दरवाजे पर बारात आने वाली थी और इसलिए खूब नाच गान और मस्ती चल रही थी, बहुत आनंद आ रहा था सबको। इतने में लड़कों वालों का फरमान आया कि बारात वापस, ये शादी नहीं हो सकती। उस क्षण में भी बाजे बज रहे हैं, बाजे तो रुके नहीं ना, अभी रोकने पड़ेंगे, बाजे तो बज रहे हैं और शादी कैंसिल हो गई। बाजे बज रहे हैं, मैं भजन दे रहा हूँ, बाजे बज रहे हैं, मिठाई की खुशबू अभी भी उड़ रही है। हाँ भैया बोलो। उस समय लड़की के पिता और लड़की की शक्ल पर कितना आनंद आता होगा उन बाजों को सुनकर के। अब बाजो, ए रुको रुको चुप, अरे चुप का पैसा पैसा दो हमारे पैसा। अब ध्यान से सुनना कुछ कह रहा हूँ, हमने एक घंटा बाजे बजवाने के लिए 10,000 दिए थे, अभी तो 10 ही मिनट भाई, क्या करेंगे बोलो, क्या करेंगे। 10 मिनट बजे, अभी 50 मिनट और बजाओ, हमारी लड़की की शादी कैंसिल हो गई तो हो जाने तो पैसा तो। क्या कहना है आपको, समझ में आ रहा है कुछ। अरे एक एक क्षण अब स्वर अच्छा नहीं लग रहा, इसका मतलब बाजे बजने से पहले भी आनंद नहीं आ रहा था, न्याय की बात, और बाजे बजने से अभी भी आनंद नहीं आ रहा है। आनंद हो रहा था प्रयोजन की पूर्ति में आनंद, और प्रयोजन नहीं पूरा होने पर दुख। तो आरोपित कथन हुआ नहीं, बाजे बजना, मिठाइयाँ बनना, ऐसे यहाँ पे लगा लेना। जो अपने को भगवान देखते हैं, प्रभु देखते हैं, ध्रुव आत्मा देखते हैं, अभी आएगा सब इसी में नीचे, जैसा इसमें लिखा वैसा ही अनुभव करते हैं, उसका आरोप होता है
धन है जिन प्रतिमा जिन्होंने हमें सम्यक दर्शन दिया। नंदीश्वर की प्रतिमा हो या फिर अकृत्रिम जिनालयों की हो या अथवा हमारे जिनालयों की हो, टोडरमल जी ने तो प्रशंसा की है, एक साक्षात केवली से भी असंख्यात गुना उपकार इन प्रतिमाओं का है। शुरू में तो पढ़ के थोड़ा धक्का सा लगता था कि साक्षात अनंत का उपकार कम, पहले लगता था ऐसा धक्का था, और मैंने पंडित साहब से पूछा जी जी तो गलत तो नहीं लिख दिया, साक्षात अनंत से ज्यादा उपकार होगा, ये जो प्रतिमाएं हैं जो अपने मंदिरों में इनसे ज्यादा उपकार होगा। तो पंडित साहब ने बताई मुझे ये बात कि सुमत साक्षात अरहंत आज भी होते तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं एक जगह सिर्फ समोसरण लगता और पूरे हिंदुस्तान के जैनियों का क्या होता है, पूरे भारत के जैनियों का क्या होता है, वैसे एक जगह लगता विपुलाचल पर अथवा झांसी में एक आध जगह कहीं लगता, वहां की पूरे हिंदुस्तान के लोग तो नहीं सुन सकते थे। और उस वो साक्षात अरहंत भगवान भी किसी को कान पकड़ करके हाथ लगा करके नहीं कहते क्या कर रहे हो, तो देखो सम्यक दर्शन करो, यहाँ से बेबी नहीं कहती, और जो जैसे वहाँ विराजते हैं वैसी ही प्रतिमा ये हमारे मंदिरों में है, गली गली में मंदिर, गांव गांव में मंदिर, पूरे नगरों सब देश में मंदिर, महाराष्ट्र वगैरह में तो गृह चैतन्यालय, अपने घर में मंदिर, क्यों कि आधी रात को जरूरत है तो समोसरण नहीं मिल सकता, कोई तकलीफ है तो हमें समोसरण नहीं मिल सकता, हमें जब याद आए जब समोसरण नहीं मिले मालूम महावीर भगवान चले गए, उसके बाद फिर कौन दर्शन देता बोलो, धन है जिन भीम। लेकिन अब फिर मैं लेकिन कह रहा हूँ, चाहे साक्षात अरहंत हो ये भी उपचरित कथन है, और चाहे प्रतिमा हो तो भी उपचरित कथन है। काय का उपचार हुआ कि मैंने अपनी प्रभुता का अनुभव किया तब ये कहने में आया कि समोसरण में सम्यक दर्शन हुआ, तब कह रहे हैं उनका अनंत उपकार, बराबर। अब आ जाओ फिर से मिल गया होगा पर्दे पर, अब गाओ बढ़िया। अपने ही गुण पर जाए सो प्रवाह रूप पर नयोती हूँ काल, अपने आधार से पर नयो अपने आधार से त्यूं काल, क्या कह रहे हैं त्यूं काल, तुम क्या कह रहे हमें कर्मों ने रुलाया, पक आत्मानुभव नहीं होगा, ए जो कर्मों का निमित्त को उपदेश आरोप डाल करके उन्हीं उन्हीं को दोष देते, कर्म ने रुलाया, कर्म नहीं बांधा, कर्म नहीं जगाया, समय से आज में तो सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में गाता है, जो अपने को ऐसा मानते हैं उन्हें स्वानुभव नहीं होगा, सब मैं तो आत्मा हूँ ज्ञान मात्र, तू ज्ञान मात्र कहता रहना लेकिन अनुभूति नहीं होगी, क्यों नहीं होगी ज्ञान मात्र कहने से भी, क्योंकि तुझे ज्ञान मात्र का स्वरूप नहीं मालूम। ज्ञान मात्र का क्या स्वरूप है, अपने ही आधार से परिणमित होता है, द्रव गुण पर्याय में, द्रव गुण में तो नो प्रॉब्लम, द्रव और गुण में तो नो प्रॉब्लम, वो तो अनादि अनंत एक रूप है, अब पर्याय की बात है, उसके लिए कह रहे हैं पर नयो त्यू काल अपने। स्वामी जी तो ऐसे प्रवचन में खुलासा करते थे, अरे रे ये मोक्ष जाने में तो प्रभु है ही लेकिन निगोद जाने में भी प्रभु है, प्रभु तो शक्ति के प्रवचन में गुरुदेव ऐसे खुलासा करते थे, तब पहली बार सुनना तो लोगों सुना ही नहीं ना कभी, तो गुरुदेव ने ऐसा बहुत खुलासा किया उस समय कि ये प्रभुत्व शक्ति कैसी है, प्रभुत्व शक्ति कि सम्यक दर्शन करने में आत्मा स्वतंत्र है और मिथ्यात करने में भी स्वतंत्र है, किसी ने पराधीनता से जबरदस्ती मिथ्या दृष्टि नहीं बना दिया, किसी व्यंतर ने आके तुम्हें मिथ्या दृष्टि नहीं बना दिया, किसी पत्नी ने बच्चों ने माता पिता ने तुझे रागी नहीं बना दिया, तो कैसे हुआ, फिर से पढ़ लो, पर नयो त्यूं काल अपने आधार सो, बढ़िया बराबर समझ में आया। पंडित जी एक बार बताओ, जब मोह राग देश रूप भी हम अपने आधार से पढ़ना भी थे, अपने ही आधार से, ध्यान रखना जब कहते हैं अपने आधार से तो दूसरे के आधार का निषेध है, क्या बोला मैंने, थोड़ी सूक्ष्म बात कहनी है, जब अपने आधार से कहते हैं तो फिर दूसरे के आधार का निषेध हो गया, तो पूरे त्रिगुण पर्याय जितने बाहर के थे वे बाहर, अच्छी भाषा में बोलूं टेक्निकल भाषा में, अब हम प्रमाण में आ गए,
अब हम प्रमाण में आ गए, प्रमाण से बाहर जाना नहीं, और अब मेरा प्रवचन चालू हो रहा है प्रमाण में अटकना नहीं। बताओ भाई, मोह राग देश का करता जीव कैसे है? दो उत्तर, पहला पर के आधार से नहीं, अपने आधार से जीव मोह राग देश का सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए मोक्ष का करता है। एक बात क्लियर, इतनी देर की चर्चा में इतनी बात क्लियर। अब आगे बढ़ो एक कदम, जीव मोह राग देश रूप क्यों परिणमता है? दूसरा अर्थ कर रहा हूँ थोड़ा सूक्ष्म है, अपने ही आधारों का मतलब है कि द्रव्य और गुण के आधार से नहीं। अब द्रव्य गुण को हटा रहे हैं, वहां से जिम्मेदारी नहीं है द्रव्य और गुण की। द्रव्य और गुण तो असमर्थ उपादान कारण कहे गए, निमित्त उपादान में असमर्थ उपादान कारण कहे गए। तो अपने ही आधार से माने एक समय की पर्याय मोह राग देश की पर्याय मोह के आधार से हुआ था, अज्ञान ज्ञान गुण के आधार से नहीं हुआ था, जीव के आधार से नहीं हुआ था अज्ञान। यदि जीव के आधार से अज्ञान हो तो सम्यक ज्ञान किसके आधार से होगा? अब ये थोड़ी सूक्ष्म बात है, फिर से अपने ही आधार से माने प्रत्येक पर्याय अपने ही आधार से, तत् समय की योग्यता उसका आधार है, उसी से वह मोहराग देश रूप परिणमता है, तेरे कारण परिणमता। सुबह सुबह का समय, थोड़ा बोलूं सूक्ष्म बात पकड़ना, बहुत अच्छी जोरदार बात है कि साहब एक तरफ आप कह रहे हो कि अपने ही आधार से होता है, और एक तरफ कह रहे अपने आधार के दो अर्थ होते हैं। एक आधार में तो द्रवगुण पर्याय शामिल कर लेते हैं स्थूलता से, क्योंकि परद्रव का निषेध किया, लेकिन सूक्ष्मता में हम विकारों का कर्ता अपने को नहीं मानते, और हमें ध्रुव का अनुभव करना है। पॉइंट पकड़ना जरा, हमें ध्रुव का अनुभव करना है, और ध्रुव विकार में कभी कारण नहीं है, ध्रुव की कोई गलती नहीं है। अभी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, ध्रुव की कोई गलती नहीं है। दृष्टांत दे रहा हूं, आप लोगों में एक बहुत प्यारा नेचर है, यदि पकड़ो तो बहुत प्यारा नेचर है। जब अच्छा काम होता है तब तो आप खुश होते हैं कि मैंने किया, लेकिन गलत काम करते हो ना तब एक बात बोलते हो, क्या बताएं पंडित जी गलती हो गई। अच्छा काम करते हो और गलत काम होता है, पकड़ में आ रहा है? कुछ नहीं निकलता मुंह से। महिलाएं जब रोटी बनाती है ना फूली फूली जोरदार, तो ऐसे अंदर में गुब्बारा हो जाती है महिला भी, और एक रोटी पिचक गई, मैंने थोड़ी खैरी हो गई, जल गई, ठीक से नहीं बनी, तो एकदम हड़बड़ा जाती है, ऐसे ऐसे देखती है। और यदि किसी ने देख लिया, अरे वो क्या बताएं, तुम सब्जी मांगने लगे, तुम्हें परसने के चक्कर में हमारा तवा तेज हो गया, अरे क्या बात हो गई, क्या? जब भी आप राइटिंग लिख के मुझे देते हैं ना तो एक संकोच सा होता है, पंडित जी वो जल्दी जल्दी में लिखिए, क्यों? बड़े लोगों के सामने अपन कोई गलती, जब छोटों को लिखते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, बड़ों के सामने थोड़ा संकोच होता है, पंडित जी वो क्या बताएं जल्दी जल्दी में थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं लिख पाए मैं। तो हमने की हमने राइटिंग नहीं पूछी, हमने तुम्हारा उत्तर पूछा है, हमें राइटिंग कॉम्पिटिशन नहीं है हमारे पास, ना स्पेलिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है। लेकिन उस समय ऐसे भाव आते ही हैं कि कमी है वो मेरी, वो जल्दबाजी की है, पॉइंट नोट किया जाए, जल्दबाजी की है। ऐसे हमें आपसे कह रहे हैं, एक समय की पर्याय की योग्यता से गलती हुई है, युगल जी बाबू जी की याद आ जाती है, गलतियां अनंत हुई हैं लेकिन मैं गलत नहीं। पर्याय में गलतियां कमियां अनंत हुई हैं लेकिन मैं ध्रुव स्वभाव में देख, मेरे अनंत गुणों में देखोगे जाके कोई गलती नहीं। अरे अनुभव किसका करना है, पर्याय का या ध्रुव स्वभाव का? पर्याय का या ध्रुव स्वभाव का? बस हो गया काम। और तुम क्या कर रहे हो जरा पकड़ो, तुम पर्याय के पूरे दोषों को ध्रुव पे डाल देते हो। हम ध्रुव का अनुभव कराना चाहते हैं, तुम झट ऐसे कहते हो, क्या बताएं पंडित जी। हम जब भी किसी से पूछते क्यों आत्मा का अनुभव हो रहा है, तो फौरन रोता हुआ शकल उतर जाती है, क्या बताएं पंडित जी, फुर्सत ही नहीं मिल रही, वो घर में फंस गए, व्यापार में फंस गए, आजकल वो सब तबीयत ठीक नहीं है, 100 उपाय बताएंगे। अब मैं फिर से उत्तर दे रहा हूँ, आत्मा का अनुभव के लिए समय नहीं चाहिए,
आत्मा के लिए कमाने से फुर्सत नहीं चाहिए। क्या कह रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है? कोई स्वाध्याय मैंने पठन पाठन के लिए तो समय चाहिए, आत्मा के अनुभव के लिए समय नहीं चाहिए। बहाना मत करो, देह की बीमारियां आत्मा अनुभव में बाधक नहीं है। तो रहू तुरंत मोह की जेल, मोह की जेल तोड़वाई थी, तुम नौकर्म की जेल क्यों तोड़ने लगे? नौकर्म समझ गए, नौकर्म से क्यों बचने की कोशिश करते हो? कहावत सुनी होगी, कहें खेत की और अरे आत्मा का अनुभव दुनिया की इतनी सरल चीज है। पंडित साहब ने तो पत्रावली वगैरह लिखा है, आत्मा का अनुभव इतना सरल है जैसे शक्कर को मीठा करना। क्या कह रहे? जैसे गुलाब के फूलों से खुशबू का उड़ाना। कितना कठिन है, बोलो बोलो। पंडित साहब का दृष्टांत है पत्रावली में, सूरज को जैसे कोई उष्ण करना चाहे, कितना कठिन काम है। सूरज को प्रकाशित करना चाहे, क्या कठिन काम है? कठिन काम है करने की। स्वामी जी के प्रवचनों में आया है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा एक समय भी अनुभव से खाली हो जाए तो जड़ हो जाए। अनुभव करना नहीं है, अनुभव को आइडेंटिफाई करना है। ये जितने बड़ा शिविर आप लगा रहे हैं ना, ये सारा है, सारा ये आइडेंटिफिकेशन के लिए है। वो तो व्यवहार की भाषा है कि आत्मा का अनुभव करना है, और परमार्थ है कि अनुभव में आ रहा है उसे पहचान। 17-18 नंबर की गाथा की टीका देखो, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आवाल गोपाल बद्धा ने अनुभव में आवी रहे हो छे परंतु अनादि संस्कार, अनादि संस्कार में उसे स्वीकार नहीं करता। तेरे को स्वीकार करना है, भगवान बनाना नहीं है, है उसे स्वीकार करना है। आइए देखते हैं अपन, देखो आगे, अंतर बाहर प्रकाशवान एक रस। जब मुझे भजन देना, मैं गा रहा हूं जोर धीरे से। अंतर बाहर प्रकाशवान एक रस। अंतरंग को जाने या बाहर को जाने, रहता एक रस है। प्रकाशवान माने स्वपर प्रकाशक, स्वपर प्रकाशक होने पर भी भगवान आत्मा, इसके लिए गाथा वो 370 गाथा है, 370 वो आँख में 320 क्या लिख रही हैं? जैसे आँख अग्नि को देखती है गर्म नहीं होती, तुम्हारी सरल भाषा में कहूँ, आँख गटर की गंदगी को देखती है लेकिन आँख गंदी होती नहीं है। ऐसे ही भगवान आत्मा स्वयं पर को सबको जानने पर भी एक रस का दृष्टांत देंगे आगे। खिन्न ताना गहे भिन्न रहे भव विकार, इस पर तो नाचो। कोर्ट में तो हम जाते हैं ये सुनने के लिए कि जज एक बार कह दे कि तुम निर्दोष हो, नहीं कोर्ट में कभी बात हो जाए, कोई तुम पे हत्या का केस हो जाए, लूट मार का केस हो जाए, तो कोर्ट में काहे लिए जाते हैं? एक बार आप इतना सा लिख दो, एग्जाम बड़ी निर्दोष, कैसी गजब बात है। वहां सदोष होने पर भी निर्दोष सुनना चाहते हैं, और हम निर्दोष होने पर भी निर्दोष कह रहे थे तो सुन के, हाँ बात तो सही है। आजकल का जो ट्रेंड है सोनगढ़ का, थोड़ा जयपुर का, इसीलिए तो कोई सुनता नहीं है। कहा कि जी भगवान भगवान के पापी रागी द्वेषी तो खेत नहीं है। भैया पापी रागी द्वेषी के तो पूरी जगह शिविर लगे ही रहे, रोजाना घर घर में चल रहे। वे तो शादी होने के बाद पत्नी खुद कहती है तुमसे, तुम कछु काम के नहीं हो। अच्छे शब्दों में कह देती होगी, मैंने सीधे सीधे नहीं कह पाती होगी, था तुमसे तो हमारा बस जीवन कटवो ही मुश्किल होगा। तो मैंने सब कह दी, तुम कहाँ से गले फंस गए हमारे दद्दा ने देखो नहीं। मैंने कहीं कुछ ना कुछ डायलॉग मिल जाता है ना सुनने के लिए। तो जी जी तुम्हें दे तो रहे सदोस्ता के अवार्ड क्या कह रहे प्रभु, देखो कितना सुंदर। खिन्न ताना गहे,
खिन्न तन गहे भिन्न रहे भव विकार सो भव भव जब कुछ बताने पड़ेगा भव भव विकार सो इसको दो तरह से ले भव विकार भाव और भाव के कारण वर्तमान में 96 रानियों में रम रहा है, 6 खंड का चल रहा विकल्प युद्ध चल रहा है और उसी समय भाव विकार सो भिन्न खिन्न ना हुए। क्या लिख रही है समझो तो जरा क्या कह रही। हमें तो सब लोग सुनना ध्यान से, हमें ये लगता है कि वर्तमान पर्याय में विकार होगा तो खिन्नता तो आएगी, खेत तो आएगा ही, बुरा नहीं लगना चाहिए क्यों वर्तमान पर्याय में। बड़ा कठिन पार्ट है, कलेजे पे हाथ रख के बोलो वर्तमान में क्रोध आ रहा है तो खिन्नता होगी कि नहीं होगी, बोलो ऐसे तो होगी। भिखारी भाव आएंगे तो हमने तो सुनी है, वो खेद होना चाहिए। बोलूं कुछ चरणानुयोग की शैली में बताऊं? पहले चरणानुयोग में लिखा है, चरणानुयोग में लिखा है वो भिखारी भाव होने पर तुझे खेद नहीं हो तो तू पुरुषार्थ ही है, वो क्या नाम है, तू अपात्र है, अपात्र भजन दे रहा हूँ, अपात्र दूसरा शब्द बहुत बड़ी कहना है मुझे, और खेद ही होता रहे तो पुरुषार्थहीनता है। फिर से बोल रहा हूँ, फिर से ही, दोष होने पर खेद नहीं हो तो पात्रता नहीं, और खेद ही होता रहे तो पुरुषार्थहीनता है। अब इसमें क्या कहना चाह रहे सोच लो क्या कहना है इसमें। अरे तू खेद मत करता रहे, उस निर्खेद स्वरूप को देख जहाँ से खेद उत्पन्न नहीं होगा। पॉइंट नोट किया जाए, मोह राग देश का होना अपराध नहीं है, ध्यान से सुनना, मोह राग देश का होना तो अपराध का फल है, अपराध तो एक ही है कि तू अपने परमात्मा को स्वीकार नहीं करता। फिर से बोल रहा हूँ, फिर से पूरे जिनवाणी में अपनी प्रभुता का स्वीकार नहीं करना, अनुभव नहीं करना, ये मिथ्या सबसे बड़ा अपराध है। जरा ध्यान से सुनना, अपराध बोल रहा हूँ, अपराध अपराध और अपराध का फल, जरा इस दोनों में अंतर नहीं कर पाते आप लोग भी, इसे प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, अपराध और अपराध का फल। जैसे कोई व्यक्ति चिंतामणि रत्न है उसे भूल गया, जेब में तो रखा है, टीका में लिखा है मुट्ठी में रखा हुआ सोना जैसे कोई भूल गया। ये मुट्ठी में रखा हुआ सोना सुख नहीं दे पा रहा क्योंकि तू भूल गया, ये भूल जाना अपराध है, विश्व का भयंकरतम अपराध, भयंकरतम, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं होता। अब तुम किसे अपराध मानते हो, ये पत्नी से राग कर रहे, जी पत्नी से राग नहीं कर रहे, जब अपने सुख की आशा अपने से नहीं होती तो किसी न किसी सुख की आशा होती है, तो वो अपने अपराध का फल है। अपना सुख अपने में दिख रहा होता तो बाहर क्यों ढूंढता, अपना आनंद अपने में मिलता तो बाहर क्यों ढूंढता। तो अपना सुख अपने में नहीं माना ये अपराध, और उसके फल में कभी पत्नी से राग करता है, कभी बच्चों से, कभी व्यापार से, कभी दुनिया से, कभी समाज से, ऐसा लगता है मैं सुखी हो गया। पॉइंट नोट किया जाए, फिर से अपना सुख अपने में स्वीकार नहीं करना ये अपराध, और अपराध का फल वो फल तो भाव, और भाव के कारण होने पर भी खिन्नता ना गई। एक बहुत अच्छा पाठ लिखा तत्व ज्ञान में, इस बार आपने चालू किया मुझे बहुत खुशी हुई, पाठशाला पढ़ाने का फायदा मुझे बहुत मिला, मैंने बाल बोध से लेकर तत्व ज्ञान पूरा पढ़ाया, फिर छेड़ाला पढ़ाई वो पढ़ाने से मेरे पकड़ में आया। वैसे तो पाठशाला में बीतरा एक तक ही पढ़ पाए थे हम खुद, नहीं पढ़ाते समय बड़ा आनंद आया, उसमें इतनी प्यारी लाइन लिखी है, वो प्रतिमाएं वो 12 व्रत वाला पाठ ज्ञानी श्रावक के 12 व्रत बहुत बढ़िया, उसमें एक पैराग्राफ जो लिखा है नेमीचंद जी पाठ जी साहब का पाठ है वो लिखा हुआ, उसमें एक बहुत प्यारी लाइन है, वो विकार को जान करके घबराता नहीं, वो अस्थिरता के परिणाम को जान करके स्वरूप स्थिरता का पुरुषार्थ करता है। ये लाइन गजब की है, गजब की लाइन है, गजब की, ऐसा कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, हम मंदिर नहीं जा पाए, अब कहाँ बताएं, हमें ऐसी हो गई चिंटी मर गई, हम कहाँ करें, हम उसे पानी ढोल गए, हम कहाँ बताएं, परिणाम बिगड़ गए कहाँ बताएं, अब ये भी परिणाम बिगड़ जाता बेबी रोदला हमने पंडित साहब के पास, हम भी कहते थे ना हमें ऐसे परिणाम बिगड़ते थे, तो पंडित साहब ने एक बार बहुत बढ़िया प्रवचन किया 1 घंटे का,
बेटा कब तक रोओगे, रोना धोना सीखो। पूरा एक घंटे का प्रवचन है, रोना धोना सीखो। कब तक रोओगे, जब जब भी आओगे परिणाम बिगड़ गए, परिणाम बिगड़ गए। हमारे में बहुत दोष हैं, हमारे में बहुत दोष हैं। एक बार तो नाराज हुए, तुम हमें खुश करने के लिए कहती हो, हमें बहुत दोष हैं। लगता कितने दोष हैं, अनंत दोष है, अनंत दोष है, रटे रटाओ डायलॉग बोल दो बस, अनंत दोष है। लगता कितने दोष है, अरे एक ही दोष है, अपनी प्रभुता नहीं अनुभव। बिल्कुल अब ऐसे संभालने वाले मिले थे हमें, बहुत आनंद हो गया हमारा, खूब खूब। कभी भी हमने कहा बेटा एक ही भूल मिटेगी, सारे भूल मिट जाएंगे। तुम एक एक भूल मिटाना चाह रहे, हिंसा ना हो, झूठ ना हो, चोरी ना हो, कुसी ना हो, परिग्रह, ये एक एक दोष नहीं मिटे जाए। पत्ता मत तोड़ो, पहले मैं तू देख कि मैं भगवान हूँ। भगवान देखने पर तुझे आनंद होगा, अपना सुख अपने में मिलेगा। जब अपना सुख बाहर नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक अणुव्रत हो जाएंगे, ऑटोमेटिक प्रतिमा हो जाएगी, क्योंकि हमारा सुख बाहर है नहीं। हम काहू माथा मारें, क्रोध क्यों करें, मान क्यों करें, जो हमारे किसी काम के नहीं, मान काहे के लिए करेंगे हम। सच कह रहे, एक अब इसमें आने वाला है वो क्षण, मुझे लेना है, देखो टाइम बचता है तो पहले ले लूँ, थोड़ा सा सरकार लो आगे। 20 नंबर का छंद है, 20 नंबर का। एक देखिए जानिए, गुजराती टोन। गुजरात में जब कोई आनंद की लाइन होती तो खूब खींचती, काठियावाड़ी। एक देखिए जानिए, रमी रही एक ढोर। मोक्ष कौन को जाना है, सम्यक दर्शन किसको करना है, बोलो। ठीक बैठियो, दो जनों ने हाथ खड़े कर, बहुत बढ़िया, चलो रेडी, अपन तो ही चलते। एक देखो, ये नहीं कह रहे थोड़ा मोए को रोको, थोड़ा काम वासना को रोको, थोड़ा लड़कियों का आकर्षण रोको, थोड़ा खाओ पीओ छोड़ो, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ये नहीं लिख रहे पूरे नाटक समय सार में, ये नहीं लिख रहे। अच्छा तो एकांत का ग्रंथ, अरे एकांत का नहीं है, अपने में रमने वाला भोगों में आसक्त नहीं होता भले आदमी। और जो परमे सुख ढूंढता है ना, वो कभी तृप्त नहीं होता। परमे सुख ढूंढने वाला कभी तृप्त नहीं होता। तुम में से कोई एक आदमी हाथ खड़ा करके कह दे कि शादी करने के बाद हम तृप्त हो गए, तो भी परिस्थिति में उपयोग जाता है, तो भी फिल्में देखते हैं, तो भी जाने कहाँ कहाँ उपयोग भटकाते हैं, कहाँ जाने कहाँ कहाँ का साहित्य पढ़ते हैं खोटा। क्यों, पर में सुख मानने वाला कभी तृप्त नहीं होता। भोजन में सुख ढूंढने वाला भटकता है, उसका उपयोग, भोजन में असंख्यात भेद हैं, भटकता है पिकनिक के नाम पर, विदेश के नाम पर। दुखी है, एक भी आदमी सुखी नहीं है। जो कहते हैं ना, हम फ्रांस गए, जर्मनी गए, बस जापान नहीं जा पाए, एक जापान गए, अमेरिका नहीं जा पाए, और लंदन नहीं जा पाए, बस। जो जाते हैं वे रो रहे हैं, उनकी कह रहे हैं हम, जो जाते हैं उनकी कह रहे हैं हम नहीं। अब फिर वापस आ जाओ। एक देखिए जानिए, रमी रहिए एक ठोर। तू प्रभु है, मजा कर। किसा विकार आए तो भिन्न भव विकार सौ, खिन्नता न लहे। खिन्नता का एक अर्थ तो मैंने कर दिया, खेद, और एक अर्थ होता छीनता, किंचित भी घटता नहीं। चरणालियों में खेत खिन्नता, और वस्तु स्वरूप में देखा जाए तो इतनी सी भी क्षीणता, इतना भी डेप्रिसिएशन नहीं होता। डेप्रिसिएशन इंग्लिश में, जरा सी भी कमी नहीं आती, लिखा है इसमें सब। एक देखिए, कैसी कोमल भाषा है, तुझे भगवान बनना है, देख हम, तू भगवान है, बस देखो मजा कर। अभी तुम घर जाओगे ना, हंस के कहना मम्मी मम्मी मैं भगवान हूँ। हाउ जब मुँह, अरे मुँह नहीं देखो, मुँह पुतगल को है, बड़ी आफत है। बच्चे थोड़े खुश हो जाएं घर में तो फौरन माँ को पारा उतार दे। यदि बच्चा कभी घर जाए कह भी देने, सुनो मैं भगवान तुम भगवान, चुप रहो रोटी खा लो। कहना मत, क्या कह रहे, कहना मत, वे नहीं समझ पाएंगे अंदर की गुपत बात। एक देखिए, अरे प्रवचन होगा इसका तो, एक देखिए, देखिए मैंने जी आंखें नहीं। अब तो मैं से कई लोग परेशान हैं, ऐसे बैठ कर देखा तो देखा था नहीं। देखने का अर्थ देखना नहीं है, चर्म चक्षुओं से नहीं देखना,
या देखिए मैंने समझना अनुभवना। तू जैसे तू करोड़ रुपया से अपने करोड़पति कैसे देख लेती बोलो? करोड़ रुपया तिजोरी में रखें या बैंक में रखें? और तेरे पास तो मोबाइल में उनकी डिजिटल एंट्री है बस। आजकल डिजिटल एंट्री में पैसा बहुत बस। नगद रुपया तो देखा ही नहीं होंगे कोई ने करोड़ आ रहे हो। फिर तुम कैसे अनुभव कर लेते जे बताओ? कैसे देख लेते हो मैं करोड़पति? डिजिटल एंट्री से अपने को करोड़पति देख सकते हो? तो यहाँ मेरे को भगवान कह रहे, तू अपने को भगवान देख। ज्ञानानंद साहब का चार्ज इतना बढ़िया लिखा है कि मुझे तो यही अनुभव में आ रहा है। वो ये कह रहे हैं भगवान, तो लंबा तो नहीं सुना रहा हूँ, बहुत बढ़िया लिखा है ज्ञानानंद साहब का चार्ज, बहुत ही बढ़िया लिखा है, पढ़ने लायक पैराग्राफ। मैं उसकी एक लाइन ही कह रहा हूँ केवल, अभी समय नहीं होने से। तो ये मुझे बार बार भगवान कह रहे हैं और मैं तो शरीर खाता पीता हूँ, राग देश है, पत्नी बच्चे हैं, कपड़ा है। आगे एक लाइन लिखी वो सुनाना है मुझे। ये दिव्य ज्ञानी है, ये आत्मा परमात्मा के ज्ञाता हैं, जरूर ये दिव्य चक्षुओं से देख रहे होंगे तो मैं भगवान ही हूं। ये मैं नहीं हूं, मेरी अनुभूति झूठी है, मेरी अनुभूति झूठी है। लेकिन आपने कहा मैं भगवान हूं तो सचमुच मैं भगवान ही हूं। आज से मुझे अपने आनंद शुरू हो गया। दृष्टांत दे दें, कहा पता कोई गरीब आदमी हो, गरीब आदमी हो, कोई ज्योतिषी या केवली भगवानों से देख के कह दें ये भविष्य का राष्ट्रपति है, भविष्य का बहुत बड़ा अरबपति है, बताओ वर्तमान में उसे क्या होगा? पैसा तो नहीं आया अभी और राष्ट्रपति भी नहीं बना, आनंद कब से शुरू होगा? अभी से ही। ऐसे यहाँ कह रहे हैं तुम भगवान हो, सचमुच हो। एक देखिए जानिए रम रहिए, रम रहिए का अभी भ्रमत करना, अभी देखने का भ्रम था, अब रमने का नाम पे फिर लोग कह रहे बैठो तो दो घड़ी, बैठो तो दो घड़ी, नहीं नहीं घड़ी फड़ी नहीं, बैठो नहीं, खड़े हो सो रमो, बैठे हो सो रमो। अब ये रमने का नाम पे थोड़ी है तो गड़बड़ बहुत सारी, क्योंकि हमने रमने के नाम पे भी कई ऐसे ध्यान म्यान मुद्रा बैठने की लगा ली। डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ा, मेरे को भी हो गया था भ्रम, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ा है, आसन शुक्ल ध्यान में होती। ये लाइन मैं सच कहता हूँ बड़ी कीमती है। पहले मुझे भी बहुत वो लगता था हिलना नहीं है और सीधे बैठना है और सामायिक में 32 दोष होते हैं और झुकना नहीं, ऐसे भी नहीं बैठना, और सब लिखा है मैंने, इन्हें पढ़ाए थे उसमें लिखा है सामायिक के दोष, पाठ नहीं भूल जाना। अरे सामायिक पाठ ही नहीं होता, भूल का भी जाएगा वो लेकिन ठीक है मुझे जो कहना हो समझो। हाँ आसन कहाँ होते हैं भैया? शुक्ल ध्यान में। धर्म ध्यान तो विचार रूप है, ये लाइन ने तो कमाल कर दिया है, लोग इसको गायब कर देते हैं। लिखा है आज्ञा बिछय, बिछय खा जाती, बैठो। मुमुक्षु मंडलों में भी ध्यान के केंद्र, ध्यान की शिक्षण और वो बैठने की आदतें, ये सब उपयोग को डाइवर्ट करना है। मैंने बहुत अध्ययन किया, गया हूँ उन सब के उस जगह भी जहाँ ध्यान कराते हैं, वहाँ भी गया हूँ मैं, लेकिन मैं उनसे कह के आया गुरुदेव सिंह ने 45 साल जो उपकार किया है वो उपकार करने में इस समय हिंदुस्तान में कोई समर्थ नहीं। उन्होंने 45 साल वो ज्ञान का गेय का निर्णय कराया, आसान नहीं वो ज्ञान का गेय, ध्यान का ध्येय, श्रद्धा का श्रद्धे, उसका निर्णय करना आसान नहीं। अभी भी भटक जाते हैं, बातें करने पर भी भटक जाते हैं। ये गुरुदेव का आनंद उपकार, 45 साल एक एक फोकस। अब फिर पढ़ लो, एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, और साफ साफ तो कह रहे समल बिमल ना विचारिए। अब का प्रवचन करने जा, मैं समल बिमल ना विचारिए यही सिद्धि नहीं। और पिछले क्षण पे एक बार फिर आ रहे, जल्दी से थोड़ा सा बता देता हूँ, काम तो मेरा पूरा हो गया इसमें। चेतना के रस सर्वंग भरी रहो जीव, चेतना के रस सर्वंग सर्वंग भरी रहो जीव,
जैसे लोन कांकर भरियो है रस खार सो, जैसे नमक के सर्वांग में खारापन और शक्कर के सर्वांग में मिठास है, ऐसे आत्मा के सर्वांग में शुद्ध ज्ञान 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 के सिवा कुछ नहीं है। समल विमल न विचारिये पूर्ण स्वरूप आ नाचो, पूर्ण स्वरूप अति उज्ज्वल विज्ञान घन, कैसे हो वेद विज्ञान करो वेद विज्ञान, पूर्ण पर पूर्ण स्वरूप, पूर्ण स्वरूप कैसे हो तुम, पूर्ण स्वरूप पूर्ण, अच्छा पंडित जी पूर्ण है लेकिन उज्ज्वल तो नहीं है, मलिन है, नहीं नहीं थोड़े नहीं, पूर्ण स्वरूप अति उज्ज्वल, अति उज्ज्वल पंडित जी, लेकिन अब हम पहली भूमिका में खोखले हैं, ठोस नहीं है विकार, तो कह रहे विज्ञान घन, क्या क्या लिख रहे हैं देखो, तेरा भगवान कितना जोरदार है, पूर्ण स्वरूप अति उज्ज्वल, नाचने का मन नहीं करे, पूर्ण स्वरूप अति उज्ज्वल, तो ऐसी बात हो गई कि नहाया धोया, अच्छा बच्चा था ना बच्चा, सब एक दृष्टांत छोटा सा, बच्चे होते हैं बच्चे ठंड के दिनों में और नहाते नहीं हैं, नाक से सेवड़ा बरसता है, आंखों में कीचड़ और दांत धोता नहीं है, तो मम्मी उसे बड़े प्यार से कहती है राजा बेटा आजा मेरे राजा बेटा चांद सितारे, तो वो बच्चा क्या करता है बता सकते हैं आप, क्या करता है वो बच्चा, कि जैसे ही सुनता है कि मम्मी मुझे राजा बेटा कह रही है, जब मैं राजा बेटा हूं तो सेवड़ा साफ क्यों करना और ये आंख क्यों धोना और मंजन क्यों करना, ये नहीं कहता बच्चा, बच्चा प्रफुल्लित हो जाता है, वर्तमान कंडीशन गंदी है और माँ कहती है राजा बेटा, बच्चा प्रफुल्लित हो जाता है और प्रफुल्लित होते सही मैं तो राजा हूँ, ये मुझे शोभा देता नहीं सफाई कर डालता है, अब इतनी अच्छी बात कह रहे नाचो, पूर्ण स्वरूप अति उज्ज्वल विज्ञान घन, मोको हो प्रगट विशेष निर्वार सो, आहा ऐसे ही विज्ञान घन भगवान आत्मा मेरे अनुभव में प्रकट हो जाओ, तो कर लो, अब एक काम करना, मुझे तो दो काम करने थे समय सार नाटक पढ़ा करके, कि आपको इसका रस लगे, पूरा पूरा पढ़ना माय टीका के बहुत सुंदर आ गया, ये बहुत अच्छी टीका करके मैंने प्रस्तावना विशेषार्थ करके बहुत अच्छा करके आया काम, शब्दार्थ वगैरह एक एक शब्द का अर्थ दे दिए, पहले थोड़ी दिक्कत थी अब बहुत अच्छा हो गया, ये लो पढ़ो पढ़ो ही नहीं इसका रस मत लगाना, अपना रस लगाना, इसीलिए चर्चा की है विचारना। ओम नमः शिवाय। हेलो, जो स्वभाव के सन्मुख हैं वो सुखी हैं, जो परांगमुख हैं वो दुखी है, सुख दुख की परिभाषा यही है। वेद विज्ञान की चर्चा बहुत ही मार्मिक चर्चा आदरणीय पंडित जी साहब की ओर से हम सभी सुन रहे हैं। पंडित जी साहब ने कल सत का अर्थ बताया था।